हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज है 15 जुलाई और जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, साथ ही काफ़ी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप इसका इंग्लिश वर्जन रीड कर सकते हैं। और देखिए, आप अगर पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और जो घंटी बटन है इसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जो ऐसी ही डेली की करंट अफेयर्स की अपडेट है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम यहाँ पे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए उसकी, तो उसका जो राइट आंसर था आपका वो था पंजाब स्टेट। देखिए, रिसेंटली जो सरकारी कर्मचारियों के लिए डोप टेस्ट नेसेसरी किया गया है वो किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर बात करते हैं इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि पंजाब स्टेट को नशा मुक्त बनाने का टारगेट रखा गया है, और उसी के तहत यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी डोप टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देखिए वैसे मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में डोप टेस्ट क्या है, फिर भी एक छोटे से मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट कि जो है डोप टेस्ट होता है, एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है किसी भी व्यक्ति का और उसके अंदर जांच की जाती है कि किसी प्रकार का इसने नशा तो नहीं कर रखा है, नशा तो नहीं है ले रखा है इसने, यही बस मतलब कि नशे की जाँच की जाती है और उसी को बोलते हैं डोप टेस्ट। आज की क्विज आपको वीडियो की लास्ट में मिलेगी, उसका भी आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन उससे पहले जो आज की करंट अफेयर वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 SSC 2018 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अब बात करते हैं है क्या ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। तो देखिए, अभी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, और इसके तहत 1 से 31 अगस्त तक स्वच्छता के आधार पर जितने भी जिले हैं उनका सर्वे किया जाएगा और उसके आधार पर एक स्वच्छता की रिपोर्ट जारी की जाएगी और ज़िलेवार जो है एक रैंकिंग जारी की जाएगी कि कौन सा ज़िला इस मामले में टॉप पे है, कौन सा लास्ट में है। इसका उद्देश्य भाई यही है कि इसके ज़रिए जो ज़िले हैं, जितने भी जो हमारे स्टेट हैं उनमें स्वच्छता कार्य में वृद्धि लाने का मकसद से ही इसको शुरू किया जा रहा है। देखिए, अगर कुछ इम्पोर्टेंट इसके बिंदु की अगर बात करते हैं, 698 जिलों के 6980 गाँवों को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें कुल जो है जितने भी ये गाँव शामिल किए गए हैं इनके लगभग 34,000 जो सार्वजनिक स्थल, स्कूल, जो बाज़ार है उनके और जो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनका सबका जो है इसके अंदर मुआवना करके ही ये रैंकिंग जारी की जाएगी। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस देश के बैंक पसरगत को भारत में शाखा खोलने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों ईरान का जो बैंक है ये, और इसी को अभी जो है मंजूरी दे दी गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ये अब भारत में शाखा अपनी ब्रांच खोल सकेगा और इसकी जो पहली ब्रांच ओपन होगी वो होगी मुंबई के अंदर। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे इससे पहले भी काफ़ी बैंक जो है इंडिया के अंदर ब्रांच खोल चुके हैं विदेशी बैंक, जिसमें अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था ताज़े मामले हैं, जो बैंक ऑफ चाइना है उसने भी यहाँ पे इंडिया में ब्रांच खोलने को भारत ने मंजूरी दे दी है। उससे पहले जो अमेरिका है उसकी काफ़ी सारे ब्रांचें ऑलरेडी इंडिया में जो है चल रही है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है ऑलरेडी। और अभी जो लेटेस्ट मामला है वो है जो ये ईरान का बैंक है इसको मंजूरी दी गई है। देखिए, इससे कुछ फ़ायदा भी है, बेनिफिट भी यहाँ पे इंडिया को। देखिए, जो चाबहार बंदरगाह है इसका ईरान का, ठीक है, उसके जो निवेश के लिए यहाँ पे इस बैंक ने जो है $500 मिलियन का जो निवेश है वो मंजूर किया है, इससे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है इंडिया को। देखिए, यहाँ पे ईरान की हमने बात की है तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान और यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी वो है रियाल, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में एयरबस ने 3 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका संबंध है? तो देखिए, एयरबस का जो संबंध है इनमें से वो है फ्रांसीसी विमान कंपनी है, एक काफ़ी फेमस फ्रांसीसी विमान कंपनी है, और इसी ने भारत के जो 3 स्टार्टअप कंपनियां जिनमें देखिए आप नाम देख सकते हो, नेवी और ई फ्लाइट और एयरपिक्स, इन तीनों के साथ ये समझौता किया है। समझौता जो है ये किया गया है जो मतलब कि
किया गया है, जितने भी जो विमानन सेवाएं हैं उनके संबंध में ही ये समझौता किया गया है, मतलब कि उनके उड़ान से रिलेटेड और उनके जो डेटा हैं एक दूसरे के उनको शेयर करने से संबंधित ये समझौता हुआ है। अब बात करते देखिए यहाँ पे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा मार्केट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है दोस्तों, ये देखिए इनका नाम है मार्केट। अभी देखिए कुछ अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये मार्केट एक सुपर रेडियो दूरबीन है जिसका उद्घाटन किया गया है, जो ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य हैं उनका पता लगाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। बात यहाँ पे देखिए करते हैं तो इसकी साउथ अफ्रीका की, तो इसकी जो करेंसी है वो है रेंड और इसका जो राजधानी है वो है केप टाउन, प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है जिसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई है फ्रेंड्स 354 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए तो इसका जो जोड़ा गया है लखनऊ गाजीपुर से जोड़ा जाएगा और इसकी कुछ खासियत की अगर बात करते हैं तो ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी टोटल लागत है 23349 करोड़, ठीक है, ये टोटल इसकी लागत है 23349 करोड़ इसकी टोटल लागत है, अनुमानित है ये। और अगर बात करते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा जो ये कनेक्टिविटी है वो है यूपी के ज़िलों की, टोटल यूपी के 9 जिले जो है इससे जुड़ने वाले हैं और इसके कार्यपूर्ण की जो मतलब कि टाइमिंग है वो है 2021 तक जो है इसको कंप्लीट चालू कर दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसके अंदर फैक्ट है जो ध्यान रखना है आपको, वो है इसके ऊपर जो वायुसेना विमान है उसको लैंडिंग के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था रखी जाएगी, यानी कि वायुसेना का विमान भी इसके ऊपर लैंड कर सकेगा, ऐसी व्यवस्था इस पर बनाई जाएगी। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में खबरों में रहा बेंगई नाचा किस राज्य से संबंधित है। तो ये है उड़ीसा से संबंधित। अभी देखिए यहाँ पे एक तरह से फेस्टिवल है जो मनाया जाता है यहाँ के निवासियों के द्वारा, जो इंद्र देवता है उनको खुश करने के लिए ही एक मनाया जाता है हर साल। और इसके अंदर होता क्या है कि जो एक तरह से मेंढक नृत्य किया जाता है, ठीक है, और मेंढक नृत्य को नाम दिया गया है बेंगई नाचा, ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की हमने बात की है यहाँ पे, तो उड़ीसा की जो CM है अभी प्रेजेंट में वो है नवीन पटनायक और यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य द्वारा इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विरासत मंडल का गठन किया गया है। तो विरासत मंडल का गठन करने वाला राज्य बन गया है, ये बना है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा अगर बात करते तो ये देश का पहला राज्य बना है विरासत मंडल का गठन करने वाला, और इसकी अगर बात करते तो अध्यक्षता जो की गई थी वो नवीन पटनायक जो यहाँ के CM है उसके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जो यहाँ के राज्य की जो संस्कृति है और यहाँ की जो उड़िया भाषा है उसको समृद्ध बनाना, उसको संरक्षित रखना ही इसका मेन टारगेट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रहण के मामले में कौन से राज्य को पहला स्थान मिला है। तो ये है हरियाणा, प्रति व्यक्ति संग्रह के मामले में जो पहला राज्य है वो है हरियाणा, पहले स्थान पर इसमें रहा है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे इसी के साथ जो हरियाणा है वो ई-वे बिल जनरेट करने वाला 4th राज्य बन गया, ये भी यहाँ पे घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर किस खिलाड़ी ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये जीता है जो एंजेलिक कर्बर है, इन्होंने ये जीत लिया है खिताब जो 24वां ग्रैंड स्लैम है वो, और ये जीता है सेरेना विलियम्स को हराकर जीता है, ठीक है। और ये जो जीता है ये जो विंबलडन 2018 की जो महिला एकल की जो प्रतियोगिता थी उसी के अंदर ये खिताब इन्होंने जीता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी वनडे में 10,000 पूरा रन पूरा करने वाले देश के 4th बल्लेबाज व विश्व के 12वें बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ये बन चुके हैं देश के 4th बल्लेबाज बन चुके हैं वनडे में 10,000 रन पूरा करने वाले और विश्व के 12वें बल्लेबाज ये बन चुके हैं। साथ ही अगर विकेट कीपर की तौर से देखा जाए इनको तो विकेट कीपर की तरफ से ये जो है दूसरे विकेट कीपर बन चुके हैं पूरे वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले। इससे पहले अगर बात करते देखिए जो
टॉप जो 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले ही 10,000 पूरे रन जो है पूरे कर लिए हैं, तो उसमें सबसे पहले स्थान पर आता है सचिन तेंदुलकर आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं सौरभ गांगुली और तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल द्रविड़। इन्होंने पहले ही जो है कंप्लीट कर चुके हैं 10,000 रन वनडे में, और चौथे नंबर पर आ चुके हैं अब महेंद्र सिंह धोनी। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसके द्वारा बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके अभी 3 दिवसीय बांग्लादेश का दौरा था, उसी के दौरान इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जो है जो वीजा केंद्र है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है बांग्लादेश में। और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो देखिए यहाँ की जो प्रधानमंत्री है अभी प्रेजेंट में वो है शेख हसीना, और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा वो है टका, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है राजधानी, यहाँ की जो राजधानी यह है ढाका, ढाका के अंदर ही इसका उद्घाटन किया गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र है इसका। बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में फसाए प्रमाणित प्रसाद की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे फसाए प्रमाणित जो प्रसाद है उसी की बिक्री अब की जाएगी, ये नेसेसरी वहाँ की गवर्नमेंट ने कर दिया है। देखिए फसाए के बारे में तो मैंने आपको काफ़ी बार बता ही दिया है, एक तरह से ये जो फूड वगैरह है उसको मतलब कि प्रमाणित करता है ये, और जो क्वालिटी है उसके आधार पर उसको रेटिंग दे के उसको पास करता है फसाए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आज 15 जुलाई को फीफा विश्व कप 2018 का फाइनल फ्रांस व अन्य किस टीम के बीच खेला जाएगा? तो ये फ्रांस व क्रोएशिया है, क्रोएशिया इन दोनों टीमों के बीच में आज फाइनल होगा इनका शाम को 15 जुलाई को, और देखते हैं कि कौन इसके विजेता बनते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो है जो फीफा विश्व कप से जितने भी इंपॉर्टेंट कंसर्न बनते हैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा उसके लिए वेट कीजिएगा। तो ये थे आज की करंट अफेयर, और आज की जो क्विज है आपके लिए उसकी अगर बात करते हो तो देखिए आज की क्विज आपके लिए, हाल ही में देश की पहली टैक्सी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है आपको बताना है कहाँ पे की गई है, और इसका जो राइट आंसर है उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी जो भी आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी सजेशन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक प्लस शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।